ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरांचल के बागेश्वर में चट्टान खिसकने से रैपिड एक्शन फोर्स के 5 जवानों की मौत हो गई है। और जानकारी के लिए बात करते हैं। अनीता, मेरी टॉवल का टॉवल दो। आई आई बाबा आई। लो, क्या बात है? आजकल किन ख्यालों में खोई रहती हो? किसी और के बारे में सोच रही हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी ना। ए जान, चलो ना साथ में नहाते। पागल हो गए हो क्या तुम? ए, कल रात को तो हम जल्दी ही सो गए थे। डोंट बी सो मीन, कम ऑन। इट्स हॉट मिट्टी, इट्स हॉट मिट्टी, इट्स हॉट मिट्टी, इट्स हॉट। ये भी कोई जिंदगी है? मर्दों की बात का कोई भरोसा नहीं। कहते थे दिल की रानी बना के रखूंगा, फूलों की तरह सजा के रखूंगा। नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। कहते थे जिंदगी में रंग भर दूंगा, टीवी में तो रंग नहीं है, जिंदगी में क्या खाक रंग भरेंगे। कहते थे पलकों पे सजा के रखूंगा। पुप्पू, ये देख, फटी हुई चादर पे सजा के रखा है। देख ना पुप्पू, तू ही मेरी तकलीफ को समझ सकती है। पप्पू, ये वही सेल्स गर्ल होगी, यहाँ तो पैसे नहीं है, क्या खाक खरीदूंगी। अरे आई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास शैम्पू, साबुन, ब्रश, कोलगेट, टीवी, फ्रिज, सब कुछ है। अरे सुनिए सुनिए तो। क्या है, कहिए। मैं सेल्स गर्ल नहीं हूँ, मैं मिसेस खन्ना हूँ। अच्छा, मैं तो समझी ट्विंकल खन्ना है। नहीं नहीं, आप समझी नहीं, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, दुबई से आई हूँ। अच्छा अच्छा, वो रात को इतना सारा सामान आपका ही था? जी, बहुत सामान है आपके पास। हाँ, वो क्या है कि मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ, हमारे यहाँ रात को पार्टी है, आप जरूर आइएगा और अपने पति को भी साथ में लेकर आइएगा। वो क्या है कि मैंने पूरे मोहल्ले को बुलाया है पार्टी में। जरूर जरूर, मैं आऊंगी, उनको भी लेकर आऊंगी। नमस्ते, आइएगा जरूर। हाँ, इतना सारा सामान। अप्पा, नमस्ते। अप्पा, मैं एक फोन कर लूं? थैंक यू। हेलो। हेलो राज, अनीता बोल रही हूँ। क्यों, मेरे घर से निकलते ही मेरी याद सताने लगी? प्यार जो इतना करते हो, याद तो आएगी ना। अच्छा छोड़ो, मैंने फोन इसलिए किया था कि वो हमारे पड़ोस में जो नए लोग आए ना, उनकी मिसेज आई थी, वो कह रही थी कि आज रात उनके यहाँ पार्टी है, उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। अरे बाबा, हाउस वार्मिंग पार्टी है, हम दोनों को बुलाया है। ओके बाय। अप्पा, आप कितने अच्छे हैं। अप्पा, आप हमें फोन करने देते हैं, आजकल फोन करना कितना महंगा हो गया है, फिर भी आप कभी मना नहीं करते। अप्पा, आपका हम पर बहुत एहसान है। अप्पा अप्पा, यूर अ डार्लिंग। क्या राज, अकेले जाना नहीं अच्छा लगेगा, तुम प्लीज आओ ना, मजा आएगा। अरे जान, हम लोग तो 24 घंटे साथ में होते हैं। एक काम करो, डोंट टेक टेंशन, एंजॉय योरसेल्फ। ओके बाय जान। ओके बाय। आप रात को मिसेस खन्ना की पार्टी में आ रहे? मैं भी वहां आ रही हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? आइए ना, आइए, रहने दीजिए, आइए, तशरीफ रखिए। आप तो मेरे पड़ोसन को जानती ही होंगी। मिसेस पाटिल। हाँ, जानती हूँ। मैं ठीक हूँ। कैसे हैं? आपके हस्बैंड नहीं आए साथ में? आप अपने मिसेस को नहीं लाए? अरे वो भाया, तारो पहले कैसेट तो बंद कर। क्यों? अरे भाया, हमारे सामने इतना बड़ा कलाकार बैठो है और हम काम का ये म्यूजिक सुन रहे हैं,
अरे भाई जरा हम भी तो देखें, ये कौन सा कलाकार है? वो बैठो है महान कलाकार है कि नहीं, मिसेज दीक्षित बहुत अच्छो गावे है। वो सुनाइए ना मिसेज दीक्षित। सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए ना। गाओ ना अनीता। गाइए ना भाभी जी, गाइए गाइए। गाओ ना मिसेज दीक्षित। गाइए मिसेज दीक्षित, गाइए। अगर आपने कला है, हुनर है, तो उसे दबाइए मत, बाहर आने दीजिए। यहाँ सब घर के ही लोग हैं। बिल्कुल सही कहा। गाइए। गाओ ना नीता। जी, मैं कोशिश करती हूँ। हेलो, 10 मिनट में तैयार हो जाओ रेखा, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रही हूँ। लेकिन दीदी काफी लेट नहीं हो गए? तो क्या हुआ, हमारा तो दिन ही रात को निकलता है। वो तो ठीक है, लेकिन वॉचमैन ने दरवाजा बंद कर दिया होगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, सब दरवाजे खुल जाएंगे, तुम सिर्फ नीचे आ जाओ। बड़वागिरी का काम कैसा चल रहा है मैडम? शट अप, क्या बकवास कर रहे हो? चिल्लाते गाय को, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेक्रेटरीशिप का काम कैसा चल रहा है? तुम अपने काम से मतलब रखो, ये लो। ये 100 रुपए से काम नहीं चलेगा मैडम। अच्छा, मिठाई आप खाओ और हम भिन भिनाती मक्खियां, हमें भी तो मिठाई खाने का मौका दो मैडम। रिस्क हम भी तो लेते हैं, हम छोड़ेंगे तो लड़कियां बाहर जाती हैं, नौकरी खतरे में रहती है हमारी। ये लो। अब भी भेजता हूं। घर ढगल लग लेकर आने ठेंग ठेंग कर। चल रानी, हाँ संभाल के जाना। दीदी एक बात कहूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। बेबी क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। क्या तुम जिंदगी भर इस हॉस्टल में रहना चाहती हो? तुम आगे बढ़ना नहीं चाहती? दीदी आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता, लेकिन मुझे। ओ कम मॉन, ये सब तकिया लूसी बातें छोड़ो, तुम 21वीं सदी की लड़की हो, तुमसे ये सब उम्मीद नहीं कर सकती मैं। दीदी ये सब तो ठीक है,
लेकिन मैं उस दलदल में नहीं फंसना चाहती। वो लोग बहुत गंदे हैं दीदी, मुझे उन लोगों के साथ काम नहीं करना। तुम्हें जो करना है सर जी के पास चलो और उन्हीं से कहना। जाते कहाँ? जानवर, सची देखिए ना, वो सिकंदर पिंकी को जलती हुई सिगरेट के चटके दे रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? आप कुछ कीजिए ना सर जी, प्लीज, आप ही कुछ कर सकते हैं। सर जी को क्या बोलती है? हम लोग पैसे देते हैं, मुफ्त में दिल नहीं बहलाते हैं। हमारा दिल जो चाहेगा वो करेगा। हमारे पैसों से ये कंपनी चलती है। अरे सर जी की औकात क्या है? भड़वा है, भड़वा, एक नंबर का भड़वा। लड़की का जिस्म तो फूल की तरह होता है जिसे सजाया जाता है, हार बना के गले में पहना जाता है, रौंदा नहीं जाता। आइंदा ऐसा मत करना। पैसा दे के कोई एहसान नहीं किया है तुमने, हम भी पैसा देते हैं लेकिन पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, बस उसे आप ही सॉल्व कर सकते हैं। सर जी, वो जो लड़की है ना रेखा, नाटक कर रही है, खुदा झूठ ना बुलवाए, नाचने से मना कर रही है। आप उससे मिल लीजिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, खुदा झूठ ना बुलवाए। समझ गया। हेलो, खुदा झूठ ना बुलवाए, इलियास खान बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो क्या है कि रेखा बहुत नाटक कर रही है, नाचने से इनकार कर रही है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब उसकी जगह पर आपको नाचना है, वो भी सरजी की गोद में। लेकिन 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 छोड़ो, अभी अभी सरजी एक मर्डर करके बैठे, मूड बहुत खराब है। खुदा झूठ ना बुलवाए, आके उनका मूड ठीक कर लो, समझ गई ना? ओके। Beep, 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 beep.
छोले हैं सांसों में प्यार की मस्ती चले है ये बदन तन की प्यास नहीं बुझती हे आंखों में छोले हैं सांसों में प्यार की मस्ती चले है ये बदन तन की प्यास नहीं बुझती क्या हुआ किस बात का गुस्सा है तुम्हें हाँ? रात को तुमने मुझे अपने पास भी नहीं आने दिया आखिर बात क्या है बात क्या है कल तुम्हें मिसेस खन्ना की पार्टी में आना चाहिए था राज उनका घर देखो उनका फर्नीचर देखो उनका टीवी देखो उनका फ्रिज देखो हाँ? तो व्हाट डू यू मीन तो और ये हमारे घर में क्या है हमारे पास फिर तुम वही टॉपिक लेके बैठ गई अरे उन लोग दुबई से आए होगा उनके पास दो नंबर का पैसा तुम्हें क्या पता दो नंबर का पैसा या तीन नंबर का राज राज हम कब तक ऐसे रहेंगे कब तक मैंने तुम्हें कई बार कहा है और मैं तुम्हें फिर कहता हूँ मैं पहले जहाँ जॉब करता था वो कंपनी बंद हो चुकी है वहाँ से जो मुझे पैसा मिला उससे मेरी बहन की शादी करनी पड़ी और अब मैंने जो कंपनी ज्वाइन की है 3-4 महीने हुए मुझे 1 साल का वक्त दो मैं सब कुछ कर दूंगा जान धीरज रखो प्लीज धीरज क्या धीरज रखो मिसेस खन्ना क्या देखो कितना बड़ा और अच्छा टीवी है उसमें रिमोट भी है हमारे यहाँ तो ना रिमोट है ना कलर है अरे कलर तो क्या ठीक से चलता भी नहीं है कम से कम चल तो रहा है अब तो नहीं चल रहा ना तोड़ दिया अनीता ये सब क्या है ये मेरे जेवर हैं इन्हें आज के आज बेचो और मुझे कलर टीवी लाके दो ए जाना तुम्हें टीवी चाहिए ना मैं प्रॉमिस करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर हमारे घर में बड़ा और अच्छा टीवी होगा ये सब कैसे होगा हो जाएगा जान मैं हूं ना मैं करूंगा जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं है टीवी मैं लेके आऊंगा प्रॉमिस प्रॉमिस I love you too. और आज के बाद जेवर बेचने की बात कभी नहीं करोगी मैं अपने मम्मी के दिए हुए जेवर बेच रही हूँ तुम्हारे दिए हुए थोड़ी बात तुम्हारे और मेरे की नहीं है जान जेवर तो जेवर ही होते हैं ना I'm so sorry, राज बहन जी आप 10 रुपए दे दीजिए ना 8 से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी चलो बहन जी आपके लिए मैंने 9 रुपए लगा दिए जाओ भैया नहीं चाहिए चलिए 8 रुपए दे दीजिए अरे सुनिए तो बहन जी अरे कांति भाई आप नमस्ते नमस्ते सस्ता सौदा करना तो कोई आपसे सीखे है कि नहीं लेकिन आप यहाँ कैसे मैं यहाँ से गुजर रहा था आपको सब्जी वाले से सौदा करते देखा तबीयत प्रसन्न हो गई कि नहीं आपका इतना अच्छा रंग रूप है फिर भी आप सब्जी का थैला ढो रही हैं आपके यहाँ तो नौकर चाकर होने चाहिए है कि नहीं नौकर चाकर की क्या जरूरत है अपना काम तो खुद करना चाहिए ना कितने अच्छे विचार हैं आपके अगर आपको कुछ
प्रॉब्लम हो तो आप सीधे मेरे पास चली आना। जरूर, आपने जो पकड़ा हुआ है ना वो मेरा हाथ है। अनीता, अरे अरे दीदी आप। नमस्ते। नमस्ते, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही थी। कैसे जाओगी? बस आगे से बस पकड़ लूंगी और क्या। मैं उसी तरफ जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। नो फॉर्मेलिटीज, आ जाओ बैठो। और क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस घर जाऊंगी, बहुत काम पड़े हैं। क्या जिंदगी है तुम्हारी, हर वक्त अपने आप को घर के काम में बिजी रखती हो। चलो कहीं बैठ के चाय वाय पीते हैं। नहीं दीदी, बहुत देर हो जाएगी, मुझे घर पहुंचना है। हर वक्त घर की रट लगाए रखती हो, क्या कोई घर पे इंतजार कर रहा है तुम्हारा? कैसी बात कर रही हैं आप दीदी, मैं शादीशुदा हूँ, उनके अलावा मेरा और कौन इंतजार कर सकता है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, चलो ना कहीं चल के चाय वाय पीते हैं। लेकिन क्या लोगी, विस्की या बिया? जी मैं शराब नहीं पीती। ओके, ठंडा या चाय? चाय। ओके बेटा जी, एक बिया और एक चाय। ओके मैडम। भाई हम तो तुम्हारी आवाज के फैन हो गए, तुम चाहो तो म्यूजिक कंपनी में काम कर सकती हो। दीदी आप सही कह रही हैं, लेकिन वो क्या है कि मैं अपने पति की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती, मुझे उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? एक अच्छा मौका अपने हाथ से गवा दोगी। पर दीदी ये तो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, अगर तुम अपने हालात सुधारना चाहती हो तो ये काम अपने पति से पूछे बिना भी कर सकती हो। वो कैसे? हफ्ते में 2-3 दिन 3-4 घंटे का करा सकती हो, उन्हें तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। भाई मैं तो मर्दों की गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती, मैं मर्दों की दुनिया में मर्द बनकर जीना चाहती हूं। एनीवेज चीयर्स। अनीता तुम्हें अपने गले की खूबी का अंदाजा नहीं, तुम कामयाब होकर लाखों रुपए कमा सकती हो। लेकिन दीदी मुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगा कौन? मैं पहुंचाऊंगी तुम्हें उस मुकाम पर। मैं, हमारी मिर्ची इट्स हॉट कंपनी जिन लोगों में टैलेंट है उनको मौका देती है। तुम इस कंपनी के जरिए बहुत आगे जा सकती हो, शुरू शुरू में 15-20 हजार और फिर लाखों। सच दीदी, क्या मैं वाकई में इतना पैसा कमा सकती हूँ? यस अनीता यस, तुम्हारी इस 150 की साड़ी के पीछे जो जिस्म, जो ग्लैमर छिपा है ना, उसकी अहमियत का तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हारे गले का जादू धूम मचा देगा, तुम लोगों के दिलों पर राज कर सकती हो, आग लगा सकती हो, आग। यू कैन बिकम हॉट, वेरी हॉट। छोटी छोटी, तीखी तीखी, हल्की हल्की।
तुम लोगों को तमाशा दिखा रहे हो, यहाँ पे अंदर सब्जी जल गई। मैं भूल गई थी। क्या भूल गई थी? Are you all right? मुझे लगता है मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। राज, I'm sorry. मैं जल्दी से दूसरी सब्जी बना देती हूँ। दूसरी सब्जी बनाने में कितना टाइम वेस्ट होता है पता है तुम्हें? राज, बस 5 मिनट लगेंगे। तुम फ्रेश होकर मैं जल्दी से सब्जी बना देती हूँ, ठीक है? अभी कितनी बार सॉरी बोलोगी? तुमने 3 बार सॉरी बोला तो चलो मैं तुम्हें बाहर ले जाके खाना खिलाता हूँ। सच्ची? एक काम करते हैं, 3 स्टार होटल चलते हैं। 3 स्टार? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी 3 महीने की सैलरी उसमें चली जाएगी। चलो मैं तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाता हूँ। क्या खाओगी? वेटर, हाँ चिकन लॉलीपॉप और जूस। ओके। ए भिड़ो, चिकन आइटम देखने क्या बैठे लाओ चिकन के साथ में। क्या आइटम है बॉप? थैंक यू। आइटम तो है। ये भाई अपनी बहन को चिकन खिला रहे लाए। ये देखता क्या है, खिला खिला अपनी बहन को चिकन खिला। देख रहा देख। ए हीरो, क्या हुआ, डर गया क्या? अबे ये फड़तू, चल बैठ जा अभी, चल चल तेरी तो। ए डर गया रे। इसे क्या खिला रे लिए, मेरे को खिला। बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू। बैठिए ना। तुम झाड़ू लगा लो, मैं अंदर बैठती हूँ। तो तुम झाड़ू लगा रही थी? हाँ, घर का काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना। हाँ भाई, पैसे होते तो नौकर भी रख सकती थी। हाँ, कितनी गर्मी है यहाँ पर, इट्स सो हॉट। और ये स्मेल कहाँ से आ रही है? ओह माय गॉड,
हाँ, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है ना। तुम्हें पसंद है? हाँ। रख लो। नहीं नहीं, रख लो। नहीं, रख लो। इस परफ्यूम में अमीरी की खुशबू है और इस रूम में गरीबी की बदबू, बेबसी और लाचारी की बदबू। एनीवे, मैं तो तुमसे ये पूछने आई थी कि फिर क्या सोचा तुमने? वो अब तक मेरी बात नहीं हुई मेरे पति से। हाँ भाई, तुम्हें खाना बनाने, बर्तन साफ करने से फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। जब तक तुम्हारे पति आते होंगे तब तक तुम थक कर सो जाती होगी, फिर वो भी सो जाते होंगे, और फिर बात करने की फुर्सत ही कहाँ मिलती होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनसे पूछ कर बताऊंगी। वैसे आप क्या पियेंगी? कुछ नहीं। पानी वगैरह कुछ? नो थैंक्स, मैं सिर्फ फिल्टर का पानी पीती हूँ, और तुम्हारे पास तो फिल्टर मिलेगा नहीं। कोई बात नहीं। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ, बस पहुँच रही हूँ। अरे बाबा, कार में आने में कितना वक्त लगेगा, मैं आ रही हूँ, बाय। ठीक है, तो तुम अपने पति से पूछकर जल्दी बता देना, और वैसे भी तुम कोई काम अपने पति से बिना पूछे तो करती नहीं हो। बाय सी। बाय। दीदी, आपका पर्स यहाँ रह गया था, आप ही के पैसे हैं। मैं बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ कि ये मेरे पैसे हैं। वो मैं आपके पीछे आई थी, लेकिन आपकी कार निकल गई थी। कोई बात नहीं। देखिए देखिए दीदी, मेरा पैसे लेने का कोई इरादा नहीं था। मैं समझती हूँ, और ऐसा करो, ये पैसे तुम ही रख लो। नहीं दीदी, मैं ये पैसे कैसे रख लो, मैं कह रही हूँ ना। नहीं दीदी, मैं कैसे रख सकती हूँ ये पैसे। दीदी कहती हो फिर भी। बाय स्वीटी। इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, कहाँ थी तुम? क्या फिर से ख्यालों में खो गई थी क्या? नहीं, वो मैं बाथरूम में थी। एनीवे, क्लोज योर आईज। क्लोज माय आईज? क्यों? क्लोज योर आईज। अरे राज, छुपा छुपे क्यों खेल रहे हो? राज राज, छोड़ो ना। वन सेकंड। राज, मैं आगे क्यों बंद किए तुमने? ए जान, देयर इज समथिंग स्पेशल फॉर यू। क्या बात है राज, मेरी आंखें तो खोलो। टीवी, नया टीवी। राज, I love you राज। टीवी, कलर टीवी, कितना अच्छा है ना। पुराना टीवी कहाँ गया? नया लाया तो पुराना दे दिया। अच्छा, दे दिया। क्या दे दिया? ओ माँ, अरे भाई। हेलो दीदी। हाँ बोलो। मैं अनीता बोल रही हूँ। हाँ अनीता, बोलो क्या बात है। दीदी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ।
लेकिन कहाँ? वहीं सन एंड सैंड के पूल साइड पे मिलते हैं। ओके, सी यू। अपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बाय। तो तुम पैसे लौटाने आई हो? दीदी, आप प्लीज बुरा मत मानिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरा आपका इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो क्या है कि मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आपको पता है वो कल ही अच्छी कंपनी का नया कलर टीवी लेकर आए, उसके साथ रिमोट भी है। मुझे लगता है दीदी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करे। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर छिपे टैलेंट को दुनिया के सामने ला दूं और तुम्हें दौलत, इज्जत, शोहरत दिला दूं जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन अगर तुम ऐसे ही खुश हो तो ऐसे ही सही, लेकिन जिंदगी में मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू दीदी, अब मैं चलती हूँ, मुझे सब्जी मार्केट जाना है। डाला, काट डाला, ठोक डाला, रेप कर डाला, वो का वही खबरें नया क्या है? कल का पेपर पढ़ो, आज का पढ़ो, परसों का पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? भगवान के नाम पे दे दे, दे दे भाई, दे दे, भगवान के नाम, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटी, भगवान के नाम पे। कि नहीं? नमस्ते, कैसी हैं आप भाभी जी? मैं ठीक हूँ। है कि नहीं? घर में तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ, घर में सब ठीक है। फिर भी घर में सचमुच सब ठीक ठाक है ना? यह बार बार क्यों पूछ रहे घर में सब ठीक है कि नहीं? वो इसलिए कि कल तुम्हारे पति मेरी दुकान पर आए थे। है कि नहीं? दुकान पर आए थे, लेकिन किस लिए? अपनी माँ के यानी आपकी सास के गहने गिरवी रखने आए थे। है कि नहीं? गहने? Are you sure? Sure, एकदम पक्का, मैं झूठ थोड़े ही बोलूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि नहीं, तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मेरे पास ऐसे ही चली आती, दागिने रखने की क्या जरूरत थी? ऐसे तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या मतलब है? मतलब प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के काम आना ही चाहिए, क्या हाथ है? है कि नहीं? कहने रखिए। वाह, क्या हाथ है कि नहीं? अरे बाबी जी, ये आपका हाथ कड़क कैसे हो गया? अबे तू, मैं वो गैजेट अपुन को भी थोड़ा माल देना, दारू पीने गए। अपुन भी अपना सब कुछ तेरे पास रखने के लिए तैयार है कि नहीं? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं, जाने ये बेवड़े भिखारी कहां से चले आते हैं? बेवड़ा तू, भिखारी तेरा बाप, दूसरों की औरतों को छेड़ता है, तेरी तेरी आंखें फूटेंगे, तेरे हाथ टूटेंगे, खड़े पड़ेंगे खड़े तेरे शरीर में। <laughs>
दीदी मैंने सोच लिया है, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। मुझे पैसा कमाना है दीदी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बस सब कुछ चाहिए जो मेरे पास नहीं है। अनीता, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम ये आंसू पोंछ लो, हमारे यहां आंसुओं की कोई जगह नहीं है। आज के बाद तुम्हारी आंखों में अश्क नहीं काजल होगा, चेहरे पर मायूसी नहीं रौनक होगी, और होंठों पर गम नहीं खुशी के नगमे होंगे। कल ही हम तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करेंगे। एनीवे, वेलकम टू मिर्ची इट्स हॉट। अनीता, मैं तुम्हें गाने का 5,000 रुपए नहीं दे सकता। जी, वो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 5,000 नहीं 10,000 रुपए दूंगा। क्या? तुम्हें मत सोचना कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं, तुम्हें वो काबिलियत वो हुनर है जो एक सिंगर में होना चाहिए। मिर्ची इट्स हॉट, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। अ कंपनी विच मेक्स यू हॉट प्रॉपर्टी, एक कंपनी जो तुम्हें हॉट प्रॉपर्टी बनाती है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ तो है, लेकिन अनीता कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। ये जमाना सिर्फ गाने का ही नहीं बल्कि वीडियो एल्बम का है, जो बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। क्या नहीं है तुम्हारे पास? हुस्न, अदा, सरस्वती, खूबसूरत जवानी, मेरे पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी, दोनों मिल जाएंगे तो वीडियो एल्बम की दुनिया में तहलका मच जाएगा, तहलका। लेकिन ये सब कुछ नहीं चलेगा। क्या पहन रखा है तुमने? तुम्हें अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। चलो उठो, उठो। देखो अपने आप को शीशे में। How you look? See. How you look? उतार दो ये सब कुछ और दिखा दो दुनिया को अपना जिस्म, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सर प्लीज, सर छोड़िए मुझे, सर। कितनी खूबसूरत हो तुम, कितना खूबसूरत जिस्म है तुम्हारा। कितनी अच्छी सुगंध है तुम्हारे जिस्म की। अपना फिगर तो देखो, कितना खूबसूरत है।
क्या चल रहा है? कैसे कैसे आवाजें आ रही है पिताजी के कमरे से, तुम उन्हें समझा नहीं सकते? घर में जवान बहू है। मला मायती है, ये अच्छी बात नहीं है। तुम जानती हो वो 30 साल से कुंवारे हैं। क्या मतलब? मेरे पैदा होने के 6 महीने बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया। तुम उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो यार। यानी वो कुछ भी उल्टी सीधी फिल्में देखते रहेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे? तुम उनसे जाकर कहते हो या मैं जाकर कहूँ? ठीक है मैं बोलता हूँ। ये क्या कर रहे हो अपा? बंद करो ना अपा। देखो मगर साउंड बंद करके देखो। कुछ नहीं। कुछ तो है। प्लीज राज मुझे तंग मत करो। ऐसे मेरा हाथ क्यों पटक रही हो तुम? मेरे पास आओ अनीता। देखो राज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? ये अचानक तुम्हारे बिहेवियर को क्या हो गया? प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो तुम। राज प्लीज मुझे परेशान मत करो। Damn it! तुम्हें ये सिगरेट की पड़ी है और मेरी नहीं? हाँ? What the bloody hell is your problem? अनीता इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया सो हो गया यार। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हारे साथ कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होंगी। और ये सब फालतू की बातें छोड़ो, डोंट बिकम इमोशनल फूल। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाओगी। और इस लाइन में गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा और ये सब चलता रहेगा। सिर्फ माता मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपने अरमानों को पूरा करने का एक और दरवाजा खुल गया है। आप नहीं जानती, अगर मेरे पति को कुछ पता चला ना वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। कैसे पता चलेगा? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। कोई बात नहीं अब तक नहीं छुपाया तो आप छुपा लो। कैसी बात कर रही हो दीदी? क्या एक भारतीय नारी को अपने पति से छुपाकर कोई काम करना चाहिए? नहीं दीदी, धर्म भी इस बात का अधिकार नहीं देता। तुम फिर फालतू की बातें कर रही हो, ज्यादा सोचना बंद करो और घर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारा आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। ऑफिस में फोन आया था कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए लेकिन फ्लाइट की एक ही टिकट हुई है। फ्लाइट से? लेकिन राज वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है। बात को समझा करो, अगर वहां पहुंचकर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें वहां बुलवा लूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन राज सुनो तो, मैं क्या बोल रही हूँ राज, मेरी बात तो सुनो। हाँ
मैडम चेहरे पर एक्सप्रेशन लाइए, एक्सप्रेशन, समझी? एकदम डेड फेस है आपका, कुछ कीजिए चेहरे के साथ आप, कम ऑन डू समथिंग, चमक लाइए, चमक कीजिए। ठीक है चलो ओके, अब इसको उतारिए। अरे उतारिए मतलब सिर्फ चश्मे नहीं, वो ड्रेस उतारिए, ड्रेस, हाँ उतारिए। अरे अब मधु की तरफ क्या देख रही हो, है? उससे कुछ नहीं होगा, मधु से कुछ नहीं होगा, आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्लीज उतारिए, उतारिए प्लीज। पूरा उतारिए पूरा, मुझे तुम्हारा फिगर देखना है, बॉडी देखना है मुझे तुम्हारी, कमाउन पैशन चाहिए, कमाउन उतारिए पूरा, उतारिए। मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम खराब मत कीजिए, अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए आप, इसको उतारिए प्लीज, इसको उतारिए, हाँ उतारिए, या वेरी गुड गुड। अब वो टांग दिखाइए जरा, हाँ टांग को आगे कीजिए, अरे टांग को आगे कीजिए मैडम, टांग को, टांगे टांगे अपनी टांगे दिखाइए, यहाँ ऑडियंस को कुछ दिखाइए प्लीज, कुछ कीजिए कीजिए प्लीज, ऐसे मत खड़े रहिए, कीजिए। क्या 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 कर रही है आप क्या कर रही हैं? ठीक है अमित आओ, हाँ अमित खड़े रहो, हाँ होल्ड करो उसको, अरे फैमिली फोटो खिंचवाने आया है क्या, है पकड़ पकड़ो प्रॉपरली पकड़ो इसको, ये क्या कर रहे हो, हाँ पकड़ो, वेरी गुड, और किस करो, किस क्या सोच रही हो अनीता, मालूम है सच्ची तुम पे बहुत खुश है। दीदी प्लीज मुझे उनका नाम नहीं सुनना है। कमाल है, जो आदमी तुम्हें प्रमोट कर रहा है, तुम पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, तुम्हें टॉप की मॉडल और सिंगर बनाना चाहता है, उसका नाम ना लो, ऐसा कैसे चलेगा? दीदी उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब भूल जाओ, सिर्फ आगे बढ़ने का लक्ष्य ध्यान में रखो। और हाँ, सर जी ने ये मोबाइल तुम्हें गिफ्ट में दिया है, ले लो ले लो। और एक चीज और, ये रहे तुम्हारे साइनिंग अमाउंट के कुछ रुपए, सर जी ने दिए हैं। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। जिस दौलत के लिए तुम ये सब कर रही हो उसी दौलत को ठुकरा रही हो। बच्चों जैसी बातें मत करो नीता, कल शाम 4 बजे सर जी के पास चली जाना। लेकिन दीदी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। वो तुम्हें कुछ क्लाइंट से मिलवाना चाहते हैं, वो क्लाइंट तुम्हें पर्सनली देखना चाहते हैं, ओके? कल शाम 4 बजे। आइए आइए। खुदा झूठ ना बुलवाए, ऐसा लगता है जैसे जन्नत की परी जमीन पर उतर आई है। आइए मैं आपको अपने क्लाइंटों से मिलवाता हूँ। सर जी कहाँ हैं? खुदा झूठ ना बुलवाए, आ जाएंगे आ जाएंगे। खुदा झूठ ना बुलवाए, कोई बहुत ही जरूरी काम में बिजी है, तब तक मैं आपको अपने क्लाइंटों से मिलवाता हूं। ये है आरके ठाकुर, खुदा झूठ ना बुलवाए, क्राइम ब्रांच के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। क्राइम करने वालों पर हाथ पैर आजमाने की इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, खुदा झूठ ना बुलवाए, जिस पर नजर टेढ़ी कर देते ना वो क्राइम करना ही छोड़ देता है। और वो है मिस्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता। इनका नया सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में धूम मचा रहा है, खुदा झूठ ना बुलवाए, चुस्की नाम के इनके सॉफ्ट ड्रिंक को लोग बड़े मजे से चुस्की ले लेकर पी रहे हैं। ये है दुबई के अब्दुल सत्तार। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई, कैसे हैं? खुदा झूठ ना बुलवाए, इन्होंने अंडरवर्ल्ड तौबा 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 तौबा, कमबख्त जबान फिसल जाती है, इन्होंने अंडरगारमेंट की दुनिया में तहलका मचा रखा है।
खुदा झूठ न बुलवाए, ये चड्डी और ब्रा सब बनाते हैं। समझ रही है ना? ये है कांति भाई ज्वेलर, सोने और चांदी की खानों के बेताज बादशाह। खुदा झूठ न बुलवाए, तुम्हें सोने और चांदी से लाद देंगे। कांति भाई, खुदा झूठ ना बुलवाए, ये बहुत अच्छा गाती है। अरे भाया, तुमने तो लोगों के मुंह से सुना है। है कि नहीं? मैंने तो अपने कानों से इसे गाते सुना है और देखो भी है। है कि नहीं? और वैसे ये हमारी दुकान में आवे और जावे। है कि नहीं भाई? कमाल है, खूबसूरत चेहरे पे ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। और हम लोगों ने ऐसी कोई गुस्सा की नहीं है जो आप इतनी नाराज हो रही हैं। हमारा मतलब है डांस वांस हो जाए, हम सब लोग मिलकर नाचेंगे, एंजॉय करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, हो जाए बिंदास, बिंदास, कम ऑन। आप लोग फिकर मत कीजिए, खुदा झूठ ना बुलवाए, अनीता जी आप लोगों का दिल नहीं तोड़ेंगी। थोड़ी दारू पी लीजिए, खुदा झूठ ना बुलवाए, झिझक दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीती। जाने दीजिए, मजा आ जाएगा कसम से। अच्छा भाई, जाने दीजिए, खुदा झूठ ना बुलवाए, थोड़ी सी रह गई, पी ले, पी ले। हेलो सुनील, राज बोल रहा हूँ। बोलो। अनर्थ हो गया यार। क्या? मेरे पाउची इस दुनिया में नहीं रहे। ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या तुम अनीता को बुला दोगे प्लीज? हाँ हाँ, एक मिनट, अभी मैं बुलाता हूँ। ताला लगा हुआ है? अरे क्या बात कर रहा है यार, प्लीज जरा देखो आसपास के कोई घर में गई होगी। मुझे अनीता की बहुत जरूरत है यार, प्लीज मैं होल्ड करता हूं। हेलो राजबाबू, मैंने भाभी को सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। ठीक है सुनील, अनीता आ जाए तो प्लीज उससे कहना कि मुझे फौरन फोन करे। ओके। मधु बोल रही हूँ, कल सर का बर्थडे है, पहुँच जाना। दीदी बहुत बुरा हुआ दीदी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दीदी मेरे ससुर की डेथ हो गई है। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारा पति मर गया हो। दीदी दुनिया में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहेगा, तुम कल सर जी के यहाँ पहुँच जाना। और सुनो, फूलों का गुलदस्ता ले जाना मत भूलना। सालगिरह मुबारक हो सर जी। थैंक्स। बैठो। जी। क्या बात है आज तुम्हारे गुलाब से चेहरे पे
उदासी छाई हुई है और लिबास भी तुमने कुछ बेरंगा सा पहना हुआ है। सर जी मैं आपकी इज्जत करती हूं, इसीलिए मुझे आना पड़ा। पर सर जी मुझे जल्दी जाना है। जाना है? कहां जाना है जाने मन? सर जी मेरे ससुर की डेथ हुई है, मुझे अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ेगा। जान तुम जाना नहीं, जान मेरी ले जाना नहीं, इतनी जल्दी भी क्या जाने की? ये सब तो संसार में चलता ही रहता है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन एक कलाकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसे तो संसार के सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए, बस। सर जी कलाकार भी तो इंसान होता है जो दुख और सुख दोनों को महसूस करता है। गलत, बिल्कुल गलत। देखो मुझे, देखो मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैंने अपने पूरे परिवार को त्याग दिया, अब ये डिपार्टमेंट ही मेरा परिवार है। तुम मेरी मां, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी पत्नी हो, यू नो तुम मेरी पत्नी। नहीं सर जी मैं आज नहीं गा सकती, मुझे जाना होगा प्लीज। ओके ओके ओके, आज रिकॉर्डिंग कैंसिल, आज सिर्फ तुम मेरे लिए गाना गाओगी, ठीक है? सर जी आज मैं नहीं गा सकती, मुझे जाना है प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं गा सकती तो कोई बात नहीं, हम किसी से जबरदस्ती नहीं करते। जाना चाहती तो जाओ, लेकिन जाते जाते अपनी कुछ चीजें अपने साथ लेते जाओ। कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास। ये आपने कब खींची? हम लोगों की आंखों से काजल चुरा लेते हैं, लोगों के सीने से दिल चुरा लेते हैं, और कुछ लोगों की हरकतों को कैमरे में कैद करके फोटो चुरा लेते हैं, और बहुत कुछ भी है हमारे पास। तुम चाहो तो ये फोटोज और ये सीडी रख सकती हो, लेकिन इस फोटोज के निगेटिव और सीडी की असली कॉपी मेरे पास रहेगी। वो क्या है ना कि ऐसी चीजों को इकट्ठा करने का शौक है मुझे, वक्त और जरूरत पे काम आते हैं। ओ अब तुम कहोगे कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं। हाँ सर जी आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। राइट राइट राइट, अब चाहे तुम इसे ब्लैकमेल कहो या फ्रंटियर मेल, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुम गाओगी ही नहीं, नाचोगी भी।
सर जी का बर्थडे है। जब चढ़ने लगा जवानी पे खतरा ये बढ़ने लगा। 16 पे 17 जब चढ़ने लगा जवानी पे खतरा ये बढ़ने लगा। वो दुश्मन बनी है जवानी सब कैसे
राज तुम, राज अच्छा हुआ तुम आ गए राज, ये देखो तो, देखो देखो तो ये लोगों ने मेरे साथ क्या किया, राज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है राज। ये सब क्या है राज? और तुम वहां क्यों नहीं आई राज? मैं वहां गाना गाने गई थी, वो लोगों ने मेरे साथ चीटिंग। बहुत चलन, वहां मेरे बाबूजी की अर्थी उठ रही थी और यहाँ तो रंगरलिया मना रही थी। राज मेरी बात तो सुनो। चुप। अय्या शरद, तुझे शर्म नहीं आई मेरा भरोसा तोड़ते हुए? कैसी औरत है तू? जा, मैंने तेरे को छोड़ दिया। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया? आज नहीं तो कल राज को पता चली जाएगा, तब क्या होगा? अब एक ही रास्ता, है। मौत, मौत, मौत। मरने का है, काय को मरने का है, काय को? अरे मरेंगे वो मरेंगे मादर। चल तू मेरे साथ चल। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां अष्टभुजाओं वाली, जय मां काली, जय मां चंडी, तू ही अंबा तू ही चंडी, तू ही मां भद्रकाली, तेरे द्वार से न जाए कोई खाली। देख दुर्गा, आज फिर एक मजलूम और बेबस औरत तेरे दरबार में इंसाफ मांगने आई है। आज अगर इसे यहां भी इंसाफ नहीं मिला ना, तो फिर इसे कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। हुआ वही पुरानी कहानी है दुर्गा, एक अकेली औरत चार चार भेड़ियों का सामना नहीं कर सकती। ये तो अपनी जान देने जा रही थी, वो तो मैं से यहां ले आया, वरना अनर्थ हो जाता। इस अबला को उन दरिंदों से बचाओ दुर्गा, इस अबला को। बस, तो औरत को कमजोर कह वह अबला समझा हा? औरत कमजोर नहीं हो वह, अबला नहीं हो वह। ए बता क्या हुआ? मिर्ची इट्स हॉट। वही जिन्ने भी रखा है बड़ा ही मजेदार नाम रखा, क्यों यार? अब जी सब फ्रॉड्स, सारी दुनिया ही फ्रॉड होती जा रही। जी क्या मतलब? पता कराया मन्ना साहब, यो मिर्ची हल्दी धनिया नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। जो तन्ना हमें एड्रेस दिया था सब सारे झूठे। जी
जी जी मैं समझी नहीं। अब तुझे कम सुनाई देवो हो क्या? हिंदी नहीं समझती तो तुझे मन ने क्या कहा? हल्दी मिर्ची नाम की कोई कंपनी नहीं मिली हम। अब होगी तो मिलोगी ना। हम सिर्फ वहां बंद गोदाम मिला एक बता। अबे ये इसके कसमों को बंद करा कोई। अब क्या होगा दीदी? अम्मा सा एक से बोल दे गंगा जमुना पानी बंद करो अपनी। आंसू से चिढ़ावा मुझे। अरे चुप कर ससुरी। इतने से क्या फायदा? अब नहीं सोचा तन्ना जब हीरोइन बनने का शौक चढ़ रहा था, जब सिंगर बनने का शौक चढ़ रहा था कि मैं घर का चूल्हा चौका कर लूं, काम काज कर लूं। ना 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 ना, तब तो तेरे भूत सवार था, जल्दी जल्दी पैसा कमाने का तेरे सर पे है ना। एक बात बता, तेरे मर्द ने किया क्या? किया क्या उसने? दारू पीवा था? इबरो मत बता मुझे। तुझे मारा करता था? नहीं। तुझे घर का खर्चा पानी नहीं देवा था? जुआ खेला था? नहीं। तो फिर ससुरी तुझे क्या आग लग रही थी पैसा कमाने की? और जो सॉरी आग लगी गई थी तो तन्ना यो नहीं सुना था कभी कि पैसा कमाने के लिए लोग इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, वकील बना, नौकरी करा हा। तुझे सॉरा यो ही तरीका सुझा था? पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन तरीका क्या हो? शॉर्टकट से लाइफ ही शॉर्ट हो जावा। इसका रोना रोना बंद करो। हाँ रुस्तम जी, रुस्तम जी, I told you, दुर्गा never argues on money. 2 crore is otherwise no deal. 2 crore, yes. Good. Then deal is final. यादव भाई जी, दीदी रुस्तम भाई का काम करा देना। सुना ना क्या कर दी? ये रोने धोने से क्या होगा? मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। मेरा मर्द भी मुझे ब्याह के लाया था गांव से सर, लेकिन चुल्ले चौके के लिए नहीं, धंधा कराने वास्ते लाया था मुझे यहाँ पर। मन ने क्या किया तेरी तरह टसुए भाई? धंधा क्या मन्ना? अरे काट के फेंक डाला हराम। 7 साल जेल में कट्टा मन्ना, जीना आ गया मुझे। एक बात डिसाइड कर ली थी मन्ना जेल में, ना तो जुल्म कभी सहूंगी अब, ना किसी दूसरी औरत पर होने दूंगी। दीदी कुछ भी करके मुझे उन दरिंदों से बचा लो प्लीज, और वो नेगेटिव और फोटो कैसे भी निकलवा दो, और इस बात का मेरे पति को नहीं पता चलना चाहिए। अब क्यों नहीं पता चलना चाहिए? विश्वास नहीं अपने पति पर तुझे? हाँ, एक झूठ छुपाकर दूसरी प्रॉब्लम पता करके तो उसे पता चल गया हो, मन ना बताया हो, और वो है भी यही, वो देख। कितना प्यार करता था मैं तुझसे, विश्वासघात किया अनीता तूने मेरे साथ। अनीता क्यों किया ऐसा तूने मेरे साथ, क्यों किया? दीदी अब मैं क्या करूं? दीदी क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं दीदी? लो अभी वो भी टसे भान लग पड़ा। अबे चुप कर सारे, ठीक है? औरत की तरह सिसकिया ले रहा है मेरे सामने, शर्म नहीं आती तुझे? जब लुगाई के लिए बदला लेने का टाइम आया तो तेरी हड्डियों में पानी जम गया क्या? ले यो ले, और आदमी की जात में भून डाल सालों को, जो दुर्गा पांडे तेरे साथ है। चल। अरे आओ कांति, सारा इंतजार था हम। दीदी ये वही दरिंदा है जिसने मेरे साथ, तूने मेरी बीवी के साथ, पिस्तौल में गोलियां ही नहीं। मैं तो यो देखना चाहूं थी कि लुगाई के लिए बदला लेने के लिए तेरे पास कितना दम हो।
ए बता तेरा हाल क्या है? अब कांति इब झूठ बोलने का टाइम नहीं है, इब गोलियां है बंदूक में। बता तेरे सरजी किधर है? मुझे मालूम नहीं है। अब झूठ मत बोल वरना गोली चल जाएगी, मुझे एक दो तीन गिनने की आदत नहीं है। याद है मधुमिता, उसका पता मुझे मालूम है, उससे बरोबर सरजी का पता मालूम है। तो बोल। 2/4/8/20 आजाद रोड घाट को ऊपर। हाँ, इब बोला ना सच। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मरते वक्त ना आदमी झूठ नहीं बोलता। यस। कौन हो तुम? दुर्गा पांडे नाम है मेरा। इस तरह मेरे घर में कैसे चली आई? देखो सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तू पुलिस को फोन करोगी? तू कर किससे बात करेगी? एसपी से बात कर ले, डीएसपी से बात कर ले, ऐसा कर तू कमिश्नर से ही बात कर ले, कर ले, कर ले। तू कर क्यों नहीं रही है बात? फोन करेगी पुलिस का? अगर औरत औरत की दुश्मन ना हो वह ना, तो ये मरत जात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अनीता दीक्षित को जाना हो? हाँ कि ना? जाना हो कि नहीं? तो फिर बता, तेरे उस हराम खोर सरजी ने क्या दलाली दी तुझे उसके लिए? हाँ, औरत होकर औरत को फेंक दिया भेड़ियों के सामने नोचने खाने के लिए? हराम नहीं आया तुझे? ये पता तेरे सरजी कहाँ है? मुझे नहीं पता, लड़की को फंसाने के बाद वो अपना अड्डा बदल देते हैं। अरे ससुरी जगत का, मैं भी क्या भूल रही थी, यो लौटों के। मैं भी क्या भूल रही थी, यो लौटों। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे उनका पता नहीं मालूम। ओह, उनका पता नहीं मालूम तुझे, उनका इसक है। हाँ, प्यार है तुझे अपने सरजी से? प्यार? नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत करती हूँ मैं उस राक्षस से, नफरत। मेरा बस चले ना तो सुअर की बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूं। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला भी वही राक्षस है। जिस तरह से अनीता उसके चंगुल में फंसी है ना, उसी तरह से मैं भी फंसी हूं। मैं भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे मेरे, और इसी सिलसिले में मैं लियास खान से मिली। खुदा झूठ ना बुलवाए। वो क्या है? मिर्ची इज हॉट का मतलब होता है ग्लैमर। और ग्लैमर का मतलब होता है पैसा। खुदा झूठ न बुलवाए। माना कि तुम हीरा हो, मगर कहाँ हो? वेयर आर यू? कोयले में। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, तुम अंधेरे में हो। खुदा झूठ न बुलवाए। तुम्हारे जो ये जी है ना, वो तुम्हें साफ करेंगे, काटेंगे, तराशेंगे, पॉलिश करेंगे। तब जाके कहीं तुम चमकोगी। समझ रही हो ना? खुदा झूठ ना बुलवाए। इतना सब होने के बाद तुम बनोगी इस सर का ताज। लेकिन खुदा झूठ ना बुलवाए, इलियास ये सब तुम्हारे लिए करेगा क्यों? माना कि तुम में टैलेंट है, लेकिन फिर भी हम ये सब करेंगे क्यों? समझ गई हो ना? इसलिए मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूं वो करो। हमको खुश कर दो। लेकिन मुझे आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ। तो क्या हुआ? कभी ना कभी तो तुम्हें कोई छुएगा। एक दिन तुम्हारा पति भी तो तुम्हें छुएगा। नहीं,
तो खुदा झूठ ना बुलवाए। यूं समझ लो कि हम ही तुम्हारे पति हैं और हमारा हाथ जिस पे आ गया समझ लो बस खुदा झूठ ना बुलवाए। मैं सब देख रहा हूं, कर लो सुहागरात, तुम्हें सब खूबियां हैं, फिर देखो जलवा। आओ आओ हो जाओ बिंदास बिंदास। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और जब मैंने काम करने से इनकार किया तो उन्होंने मेरे पति को अपाहिज कर दिया और मुझे औरत से दलाल बना दिया। मैं तो खुद चाहती हूं कि कोई उस राक्षस को मारकर इस धरती से पाप का बोझ हल्का कर दे। मुझे सच में उसका पता नहीं मालूम। अब कोई तो तरीका होगा उसे ढूंढने का। हाँ दीदी, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है। तो ससुरी जात का फिर नंबर लगाना। हेलो सर जी, दुर्गा पांडे नाम है मेरा। नमस्कार। जो आपके कान ठीक से ना खुल रहे हो ना तो खोल लो आप ना, क्योंकि मैं दोबारा ना बोलू। और मैं नू बोल रही कि तुम ना अपनी अर्थी का सामान तैयार करके घर मंगवा लो। मेरे आदमी थारी लाश लेने को आ रहे हैं। सुन लिया ना कान खोल के। अब फोन बंद कर दो सर जी। नमस्कार। इलियास, गद्दारी हो गई, हम पर किसी वक्त भी अटैक हो सकता है, ये जगह छोड़ो। जो सांप को मारना होवे ना तो पहले उसे बिल से निकालना बहुत जरूरी हो। वह खुदा झूठ ना बुलवाए। यहां सीढ़ियों पर अकेले खड़ी खड़ी टेंशन क्यों ले रही हैं आप? आइए मैं आपको लिफ्ट देता हूं। बेबी? बेबी नहीं, मेरा नाम रोशनी है। और मैं यहां किसी का इंतजार कर रही हूं। तो आ गया ना मैं। तकल्लुफ मत कीजिए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। आपको अपनी खूबसूरती की अहमियत का जरा भी अंदाजा नहीं है रोशनी जी। आपका दिलकश चेहरा बड़े बड़े पोस्टरों में चमकने के लिए है। ग्लैमर की दुनिया आपका इंतजार कर रही है और आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। आइए आइए मैं आपको आपकी नई मंजिल का रास्ता दिखाता हूँ। जरा अंधेरे से निकलकर रोशनी में आइए। रोशनी जी आइए आइए प्लीज। मगर आये, मगर आइए ना, खुदा झूठ ना बुलवाए। आप हीरा हैं हीरा रोशनी जी। हाँ, लेकिन ये हीरा कोयले में पड़ा है। इस हीरे को तराशने की जरूरत है। खुदा झूठ न बुलवाए, इसे तराशने का काम इलियास खान करेगा, यानी कि मैं आपको बुलंदियों की ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। आपका यह नायाब हुस्न लोगों के दिलों में आग लगा देगा। दुनिया की सारी जायदाद, सारी की सारी दौलत आपके कदमों में होगी। आप करोड़पति बन जाएंगी। अच्छा, हाँ? मैं करोड़पति बन जाऊंगी? खुदा झूठ ना बुलवाए, बन जाऊंगी नहीं, आप करोड़पति बन गई हैं। बस इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आपको मुझे खुश करना होगा। एंड वेलकम टू मिर्ची इज हॉट। हॉट। Thank you.
रोक 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 पीछे 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 ले जल्दी कर यार पीछे खुदा झूठ ना बुलवाए आहा क्या बात है इलियास खुदा झूठ ना बुलवाए आए 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 क्या हुस्न है क्या फिगर है इस तरह धूप में खड़ी होकर अपने जिस्म को क्यों चला रही हो बेबी मेरा दिल जल रहा है खुदा झूठ ना बुलवाए अरे ये हसीन खूबसूरत चेहरा तो किसी पोस्टर की रौनक बनने के काबिल है इस तरह की गर्मी में झुलसने के लिए नहीं आओ 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 मेरी गाड़ी में बैठ जाओ मैं तुम्हें क्रैमर की दुनिया में ले चलता हूँ खुदा झूठ ना बुलवाए इलियास खान नाम है मेरा मिर्ची इज हॉट कंपनी का ओनर हूं मैं तुम हाँ मैं तुम क्या समझ रहे थे मैं डर गई यही शहर छोड़कर भाग गई खुदा झूठ ना बुलवाए तुम्हारे अचानक गायब हो जाने पर अगर मैंने और सरजी ने ऐसा सोच भी लिया तो डर क्यों गई ना मैं डरी ना ही शहर छोड़कर भागी मैं तुम्हारी मौत को तुम्हारे घर का रास्ता दिखाने में बिजी थी समझे और आज तुम्हारी मौत ने तुम्हारे घर का दरवाजा देख लिया है अगर मौत ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है तो खुदा झूठ ना बुलवाए हम उसका भी रेप कर देंगे और मॉडल बनाकर मार्केट में उतार देंगे फिर मौत भी हमारे गुन गाएगी ए आसमान में उड़ने वाले वैशी दरिंदे जमीन पर आ जा और अपने औकात में रह तू मौत का क्या रेप करेगा मौत तेरा रेप करके दुनिया से तेरा और सरजी का नामो निशान मिटा देगी मौत और जिंदगी की बातें छोड़ ये बता कि हमारी कंपनी ने तुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया मगर ये तू अचानक रास्ते पर कैसे आ गई मैं जिस रास्ते पर हूँ ना उसी रास्ते पर तुझे दफनाने की जगह ढूंढ रही हूँ एक मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे भोली भाली लड़कियों का दलाल बना दिया आज तू नहीं बचेगा इलियास खान या अहमद खान अरे वाह मैं तो किसी और को ढूंढने निकली थी यो तो अपना पुराना दोस्त मिल गया मुझे नन्ना के सच्चा मैं भूल गई होंगी मेरा पति जब यहाँ आया था मुझे बेचने के लिए तब तन्ना ही तो की थी भड़वा गिरी मेरी हाँ भड़वा गिरी के नए नए नाम अहमद इलियास लेकिन मेरा मेरा एक ही नाम हो सुन कान खोल के दुर्गा पांडे दुर्गा पांडे
पांडे के दरबार में मौत का तांडव होगा। ओहो बेचारा, तू रहम की भीख मांगेगा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, जो तुझे ना मिलेगी। मुझे मत मार, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे दुर्गा। मैं अच्छा इंसान बनूंगा, मैं सच कहता हूँ, मैं अब भलाई का काम करूंगा, मैं अपने आप को सुधार लूंगा। सुधरेगा तो नाम बदल बदल कर तन्ना कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। अहमद, इलियास, गिनती है तेरे पास, हिसाब है? कुत्ते की दुम, कितनी भी कोशिश करो सिद्धि ना हो वहा। भड़वा साला, तो भड़वा गिरी के अलावा और कुछ नहीं सकता। मुझसे गलती हो गई दुर्गा, मुझे एक मौका और दे दे। अरे खुदा झूठ ना बुलवाए, आज से मैं हर औरत को अपनी माँ बहन समझूंगा, मैं उनकी भलाई में लग जाऊंगा। सिर्फ एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे दुर्गा, एक मौका। इस कुत्ते को छोड़ना मत, इसकी सजा सिर्फ मौत है। जब तक की तड़प तड़प के मरेगा नहीं ना, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी दीदी, नहीं मिलेगी। और मेरे कलेजे को भी ले और ठोक दे साले को। बोली भाली लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। इस काले नाक को तो बिल से निकाल कर कुचल डाला मैंने, लेकिन एक ना एक दिन उस सफेद नाक सर जी, उसे भी मैं उसके बिल से ढूंढ निकालूंगी, जहां वो अब भी कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी में जहर घोल रहा। तुम चाहो तो ये फोटोज और ये सीडी रख सकती हो, लेकिन इस फोटोज के निगेटिव और सीडी की असली कॉपी मेरे पास रहेगी। सर जी, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। राइट राइट राइट। अब चाहे तुम इसे ब्लैकमेल कहो या फ्रंटियर मेल। प्लीज सर जी, मैं नहीं गा सकती। अब तुम गाओगी ही नहीं, नाचोगी भी, क्योंकि आज सर जी का बर्थडे है। आज अभी इस वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर जी किसी न किसी औरत की मजबूरी का फायदा उठा रहा है।